सदर इस वक्त आपको बताएं कि फरोग नसीम की हल्फबरदारी की तकरीब शुरू हो गई है और ये मनाजर आप देख सकते हैं। तकरीब हल्फबरदारी ये जारी है, बैरिस्टर फरोग नसीम की तकरीब हल्फबरदारी का इनाकाद किया गया है और इस वक्त तकरीब हल्फबरदारी जारी है। फरोग नसीम की बतौर वफाकी वजीर तकरीब हल्फबरदारी के ये मनाजर हैं जिसमें बहुत सारे वुज़रा भी शामिल हैं। बैरिस्टर फरोग नसीम की आज तकरीब हल्फबरदारी है और सदर मुमलिकत ने आज उनसे हल्फ लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फरोग नसीम सिद्क़-ए-दिल से हल्फ़ उठाता हूँ कि मैं खुलूस-ए-नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि बहैसियत वफाकी वजीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर नज़रअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ्फुज़ करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रगबत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिलावास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला किसी ऐसे मामले की इत्तला
ना दूंगा, ना इसे जाहिर करूंगा, ना इसे जाहिर करूंगा। जो बहसियत वफाकी वजीर, जो बहसियत वफाकी वजीर मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा, या मेरे इल्म में आएगा। बजुज जबकि बहसियत वफाकी वजीर, बजुज जबकि बहसियत वफाकी वजीर अपने फराइज की कमा हक्का हो, अपने फराइज की कमा हक्का हो, अंजाम देने के लिए ऐसा करना जरूरी हो, अंजाम देने के लिए ऐसा करना जरूरी हो, या जिसकी वजीर आजम ने खास तौर पर इजाजत दी, या जिसकी वजीर आजम ने खास तौर पर इजाजत दी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। बैरिस्टर फरोग नसीम ने वफाकी वजीर का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फरोग नसीम से हलफ लिया है। आपको बताएं कि फरोग नसीम को तीसरी मरतबा कानून की वजारत सौंपी गई है। फरोग नसीम ने जस्टिस फायज ईसा केस में हुकूमत की वकालत के लिए वजारत से इस्तीफ़ा दिया था और इससे पहले आर्मी चीफ की तौसी के केस में वकालत के लिए भी कुछ अर्सा वजारत से अलग हुए थे और आज तीसरी मरतबा उन्हें वजारत कानून का ओहदा सौंप दिया गया है। बैरिस्टर फरोग नसीम ने वफाकी वजीर का हलफ उठा लिया है। ये मनाजर आपने देखे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फरोग नसीम से बाकायदा हलफ ले लिया है।